अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब। तो भाई, वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई जान, सीन कुछ ऐसा कि सारी रात ना हमें जान को बिल्कुल आराम आया ही नहीं। मसला कुछ ऐसा बना कि जो हमने कल चावल बनाए थे ना, तो वो पता नहीं क्या कर गए हैं मुझे भी, आप भी, जान को भी और अम्मी को भी। सबकी ना तबीयत बहुत ही ख़राब है और अम्मी जान की तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो सारी रात ही अम्मी जान तो बस भागते रहे हैं बाथरूम में और अंदर, बस ये दो काम ही रहे। तो अभी अम्मी जान की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो अभी तो इनको क्लिनिक पे ले चलते हैं ना, कुछ चेकअप वगैरह करवाते हैं, पूछते हैं भाई क्या मसला बना है। अभी भाई हम लोग क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं, सारी रात अम्मी जान सोए नहीं बिल्कुल। देखें सुबह सुबह का टाइम और धुंध बड़ी ज़्यादा है। अभी मेडिकल पर तो हम पहुँच चुके हैं, ये देख लें भाई, गाँव में छोटा सा है, आ जाए अम्मी जान इसे देखेंगे। तो अभी चेकअप करवाते हैं अम्मी जान का और कुछ दवाइयाँ वगैरह लेते हैं। आपने पहले आदमी से दुआ करनी है कि आराम आ जाए। सहूलत है ना, गांव में बन गया था। हाँ जी। अच्छा भाई, क्लिनिक तो हम आ चुके हैं, अम्मी इधर आ जाए अंदर, ये देखें जी, बैठ जाएं भाई। अभी जनाब, क्योंकि मैदे का मसला बना हुआ है ना, तो ये कुछ मेट्रोइन है लिखा हुआ, पता नहीं क्या है ये, मैदे के लिए होते। तो ये अम्मी जान को लगाने लगे हैं। यो हालात है, जहाँ वो लाजांदरा दाली डॉक्टरों से वो ड्रॉप पे आ रहा। एम सारे मुआज रात काट के आ के दे अली दरगाह थे, वो दे इलाज अंदर यो मां सोने तो गोर थे द टीके द नुक्स। हां ये भी सुनत मेरी बात सुनाए मैं नहीं हो मुड़ कोई माला से मोला चला के ना ते सारी रात में टेड पी रहा मोया अच्छा जी भाई, सुबह ना अम्मी जान को हमने ड्रिप भी लगवाई थी और दवाई वगैरह भी लेके दी थी, लेकिन अब तकरीबन हो चुके हैं 4:30, लेकिन अब तक ना कोई आराम नहीं आया। थोड़ा सा बीच में यानी कि गैप आया, जिस जहाँ पर ना अम्मी जान को थोड़ा सा आराम आया, यानी कि पेट में दर्द भी नहीं था और सर में दर्द भी नहीं था, लेकिन उसके बाद ना दोबारा से दर्द शुरू हो गया। तो अभी तक बिल्कुल आराम नहीं है, तो हमने ना कुछ देसी जुगाड़ लगाए, यानी देसी टोटके जो होते हैं, तो हमने ना पड़ोसियों से यानी रिश्तेदारों से पूछ के ना फिर हमने कुछ सेटअप किया है भाई, क्या करना है अब। आराम तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा, आराम ना मेडिसिन बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ना अब आंटी ने बोला है कि उसको ना पुदीने वाली जो नहीं होती है रायता चटनी जिसे कहते हैं, यानी कि देसी टोटका लगा के ना, यानी कि तरीका लगाते हैं अभी। वो कहवा भी कह रही थी, तो कहवा जो है वो मैंने अभी नहीं बनाया, तो इसलिए ना मैंने ये चीज़ें रखी है। ये जो है वो पब्रिक यानी कि पुदीने के पत्ते हैं, सब्ज़ मिर्च है और ये है लहसुन, और इसके अंदर हमने अब डालना है वो सब्ज़ धनिया। तो इनकी ना अम्मी को बना के देते हैं चटनी सी और उनको थोड़ा सा देते हैं, देखते हैं फिर अल्लाह खैर करेगा, वरना पूरी रात जो है ना हम बहुत परेशान रहे हैं। तो अभी आराम नहीं आएगा तो हम किसी और डॉक्टर से दवाई ले लेंगे इंशाल्लाह। Thank you.
अच्छा भाई, अभी तो हम बना रहे हैं दवाई, यानी चटनी, दवाई वाली चटनी है। तो ये बेचारी कल आई थी मिलने, और ये देखो जी अभी मुसीबत पड़ गई है। हाँ, पूरी रात वो भी बेचारी परेशान रही अम्मी की वजह से। ये पहले अभी ना मैंने सबक मिर्च अंदर कूट लिया, अब इसमें और ये पपड़ी और ये जो है ना धनिया के पत्ते। अल्लाह करे किसी से आराम आ जाए। अम्मी जान को ना जी हो गया था रात को हैज़ा, तो मेडिसिन भी ली। फिर उसके बाद ना अम्मी जान को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ना अम्मी जान चल भी नहीं सकते। तो उसके लिए ना हमें जो कोई बता रहे ना, हम देसी टोटके कर रहे हैं। बस आप लोग भी दुआ करें कि अम्मी जान जो है ना जल्दी सेहत याब हो जाए। हाँ जी, ये ना इस तरह से रायता हमने बना लिया है। तो आंटी ने ना बोला इसमें दही नहीं डालनी, ना ही लस्सी डालनी है, क्योंकि वो ना पहले मैदे का मसला है, तो वो कहते हैं वो अच्छी नहीं होगी इसमें। तो इसलिए हमें ना थोड़ा सा उसमें गाय पानी डाल देना है। इसको ना निकाल लेते हैं ऐसे बाकी। ये रायता जो है ना तैयार हो गया, अम्मी जान को देते हैं। बस आप लोग दुआ करें कि इसी से ना अम्मी जान सेहत याब हो जाए। हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो बात ऐसी है ना कि अब्बू के बाद हम अम्मी का ही सहारा है, तो उन्हें थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, हमने बहुत दुआ की है। बाजी भी रात से दुआ कर रही है कि अम्मी सेहत याब हो जाए जल्दी से। तो बस अब हम देते हैं, आ जाए भाई शहजा। ये देखें जी, अम्मी जान है ना दो दो रजाएं ऊपर से ली हुई है। सर्दी बहुत लग रही है, बहुत लग रही है। बुखार तो नहीं है, डॉक्टर ने कहा है, फिर भी ना सर्दी बहुत है। और डाल दो बस। अल्लाह करे इसी से आराम आ जाए, वरना किसी और डॉक्टर से फिर दवाई ले लेते हैं। बच्चे देर करते हैं पानी ला के सुर्खी बना रहे हैं। हाँ जी भाई, अम्मी जान ने ना थोड़ी सी तो ले ली है, ये रायता जो है थोड़ा सा बनाया था, 3-4 चम्मच लिए हैं बस, उनकी हो गई है। तो डॉक्टर ने ना बोला है नरम गिजा खानी है, तो शायद यार को भेजते हैं कुछ नरम जो है ना खाने के लिए लेके आए। देखते हैं भाई क्या लेना है, नरम गिजा जो कही है डॉक्टर ने। हाँ जी, तो कोई नरम चीज ही लेकर आएंगे ना। हाँ जी, अम्मी ना वो चाय के साथ बिस्किट नहीं ले रहे, रस भी नहीं दे रहे, उनको अच्छे नहीं हो जाती है। हाँ तो अभी हम पहुंच चुके हैं दुकान पे, ये देख लें जी। ये देखें जी, हमने ना ब्रेक समय यहाँ से ले ली है, तो अभी चलते हैं घर में जी और इनको तैयार करते हैं। अभी सवैया लेके मैं आ गया हूँ, तो अभी आप ही को देते हैं ताकि वो बना दें ना। अम्मी जान ने भी कुछ नहीं खाया इतना। हाँ जी, रोटी तो डॉक्टर ने रोक दी है ना, कुछ भी नहीं खाया, बस हाँ। एक एप्पल लिया था सुबह। हाँ जी, तो अब ये बनाते तो हैं भाई जल्दी जल्दी। सारी चीजें ले ली हैं, दूध, चीनी, घी वगैरह, तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं। हाँ भाई, और आपसे दोबारा से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आपने अम्मी जान के लिए दुआ लाजमी से करनी है। तो अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आप दुआ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।